मंगलवार को उस वक्त बांदा जिले में हड़कंप मच गया जब झांसी से आई कोरोना रिपोर्ट्स में 10 नए लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। जी हाँ, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, ऐसे 10 लोगों की। और इसमें खास बात यह है कि इसमें एक डॉक्टर भी संक्रमित पाया गया जो कि कालूकुआं के इलाके में बस्ती में रहते थे, और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो टिनवारी के पास माचा गांव में स्क्रीनिंग के लिए गए हुए थे, तो उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ऐसे में प्रशासन अब उन लोगों की लिस्ट बनाने में जुट गया है जो उन डॉक्टर के संपर्क में आए थे, या बाकी जो संक्रमित पाए गए हैं, 10 संक्रमित पाए गए हैं उनसे संपर्क में जो लोग आए, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने में प्रशासन जुट गया है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले जो युवक नरैनी में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसके ननिहाल के कुछ लोग भी संक्रमण का शिकार पाए गए हैं। जिस तरह से ज़िले में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में अब लोगों की यह मांग उठ रही है कि बांदा को रेड जोन घोषित कर दिया जाए। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या जब नए केस सामने आ गए हैं ऐसे में क्या बांदा को रेड जोन में घोषित कर देना चाहिए? अपने सुझाव हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।